हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीति इनिशिएटिव और जानू ऐप द्वारा आयोजित इस वीडियो में, जिसमें आज मैं आपको बताने वाली हूं कि यदि आप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो आइए अब बात करते हैं कि यदि आप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत रूरल यानी कि ग्रामीण के तहत अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यदि आप एससी एसटी ओबीसी इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप इनमें से किसी कैटेगरी से आते हैं तो आप इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि आपकी फैमिली में कोई भी मेल मेंबर नहीं है जिसकी एज 16 से लेकर के 60 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि आप अपनी जो सर्वाइवल है यानी कि बेसिक जीवन का निर्वाह भीख मांगकर या दान लेकर के करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि आपकी फैमिली में कोई भी फिजिकली चैलेंज यानी कि विकलांग व्यक्ति है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा यदि आप किसी भी ऐसे घर में रहते हैं जो पक्का मकान नहीं है, दीवारें नहीं है पक्की, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही यदि आप किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं या फिर आप एक रूम के रेंटल हाउस में यानी कि किराए के घर में रहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके तहत आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपने जाना कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मगर अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन इस स्कीम के तहत अप्लाई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो कोई भी वो व्यक्ति जो 2-3-4 मोटर व्हीकल ओन करता है यानी कि उसके पास खुद का 3-व्हीलर है, 4-व्हीलर है या 2-व्हीलर है, वो इस स्कीम के तहत अप्लाई नहीं कर सकता है। साथ ही कोई भी वह व्यक्ति जिसके पास खुद के फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकता है। साथ ही यदि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है और जिसकी लिमिट 50,000 रुपये तक है, आप तब भी इस स्कीम के तहत अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर आप गवर्नमेंट मैनेज नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जो 10,000 रुपये से ज़्यादा उसकी मंथली इनकम है वो भी इस स्कीम के तहत अप्लाई नहीं कर सकता है। कोई भी वह व्यक्ति जिसके पास खुद का रेफ्रिजरेटर है, लैंडलाइन है या फिर डिसेंट और सॉलिडरी खुद का अपना घर है तो आप इस स्कीम के तहत अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर यानी कि खेती के लिए ज़मीन है खुद की तो भी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं। तो इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपको अब पता चल गया होगा कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हमारी वीडियोस जो सुनिधि इनिशिएटिव और जानो ऐप द्वारा आयोजित हैं। धन्यवाद।